हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में। तो देखिए बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4, और उसका नाम है विद्युत धारिता, ठीक है। और आज अपने इसका पार्ट नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम में। तो पार्ट 6 में जो अपना आज का टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ अंशतः भरा हो। अब जब अपने पिछला टॉपिक इसे किया था, जस्ट प्रीवियस टॉपिक था, तो उसमें अपने जो पढ़ा था वो था जब आपका जो परावैद्युत पदार्थ है वो पूर्णतः भरा हुआ हो। पूर्णतः मतलब दोनों प्लेटों के बीच जितनी जगह है उस सारी जगह में क्या हो, परावैद्युत पदार्थ है वो आपका भरा हुआ हो। अब अंशतः का मतलब पार्शियली, तो भी मैंने इंग्लिश मीडियम लिखा पार्शियली, मतलब थोड़ा सा उसका पार्ट क्या हो, भरा हुआ हो, ठीक है। तो अब देखो अपने क्या करते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं, ये इसका डायग्राम मैंने बना रखा है, ए और बी जिसकी दो चालक प्लेटें हैं, और इस ए प्लेट पर जो आवेश का मान है वो प्लस क्यू हुआ और बी प्लेट पर आवेश का मान माइनस क्यू है, ठीक है। और जो प्लेट की मोटाई है वो अपने सॉरी प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी ली हुई है, ठीक है, स्मॉल डी प्लेटों के बीच की दूरी है। और इसमें ये हरे रंग वाली आपने क्या कर रखा है, परावैद्युत पदार्थ भर रखा है, और इस परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है उसका मान क्या है अपने पास, एप्साइलन आर ले रखा है आपने, क्या ले रखा है, एप्साइलन आर ले रखा है, एप्साइलन आर परावैद्युत माध्यम वाला अपने माध्यम इसमें रख रखा है, और अंशतः भरा हुआ है मतलब कुछ भाग तो खाली है और कुछ भाग भी आपने क्या कर दिया, परावैद्युत पदार्थ है वो भर दिया है, ठीक है। तो अब अपने को इसकी क्या करनी होगी, धारिता निकालनी है। तो धारिता निकालनी है तो सबसे पहले जो आपको डायग्राम दिया हुआ है ना, इसकी थ्योरी लिखनी होती है। जब भी आपको कोई डेरिवेशन करना होता है तो जो डायग्राम उसमें दिया है आपको उस डायग्राम की क्या लिखनी है, थ्योरी, ठीक है। तो थ्योरी देखो जरूरी नहीं होती कि जो मैं लिखवाता हूँ वही आपको लिखनी है, आप अपने शब्दों में भी इसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि चित्रानुसार माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है और इसकी प्लेटों ए और बी पर क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। जैसा आपको डायग्राम में दिया हुआ है वैसा आप यहाँ पे लिख दो। और प्लेटों का क्षेत्रफल ए है और प्लेटों के मध्य दूरी कितनी है, स्मॉल डी है आपके पास, ठीक है। और प्लेटों के मध्य एप्साइलन आर परावैद्युतांक वाली टी मोटाई की पट्टी का रख दी, अपने पट्टी रख दी एक, और उसकी मोटाई कितनी है, टी है, ठीक है। मोटाई या लंबाई कह दो आप, मोटाई कह दो लंबाई कह दो एक ही बात है। तो इसको अपने रख दिया टी मोटाई की पट्टिका को। तो अब अपने को क्या करना होगा, इसका जो क्या करना है, धारिता निकालनी है। तो धारिता निकालने के लिए आपको मैंने बताया था तीन स्टेप अपने यूज करते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में अपने कोई भी अगर दिया गया पदार्थ हो जिसकी आपको धारिता निकालनी है तो उसका क्या निकालते हो, आप क्या लिखते हो उसके लिए, विद्युत क्षेत्र का मान, मतलब उसके लिए आप ई का मान लिख देते हो, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आप उसके लिए लिखते हो विभवांतर यानी वी का मान, जो उसके लिए विभवांतर का मान है। और तीसरे नंबर पर उसके लिए आप क्या लिख देते हो, पहले ई वी और सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी फॉर्मूले से उसकी धारिता निकाल लेते हो, ठीक है। तो अब यहां भी अपने को ये तीनों स्टेप क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र का मान लिखना होगा प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र है। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ कि प्लेटों के बीच कितने माध्यम है, एक ही माध्यम है, आप कहोगे एक माध्यम और दूसरी खाली जगह है। खाली जगह को अपने निर्वात या वायु मान सकते हैं, या तो उसमें निर्वात होगा या जो ये खाली जगह बच रही है इसमें क्या होगी, वायु होगी, ठीक है, वायु या निर्वात। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कि वायु या निर्वात वाले भाग की मोटाई, भाग की मोटाई कितनी होगी, तो देखो टोटल मोटाई का मतलब यहां पे इस हिसाब से लंबाई से ले रहे हैं अपने, तो टोटल प्लेटों के बीच की दूरी डी है जिसमें टी मोटाई में आपने परावैद्युत पदार्थ भर रखा है। तो जो वायु या निर्वात वाले भाग की मोटाई होगी वो डी माइनस टी हो जाएगी। टोटल में ऐसे टी निकाल दो तो वो जो खाली भाग आ जाएगा उस खाली भाग में क्या है, वायु या निर्वात है, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये इसको यहीं पढ़ा रहने दो। अब आप लिखोगे कि प्लेटों के मध्य
विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ये लिख दोगे आप। तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र जो होगा वो के किसके बराबर हो गया, वायु वाले भाग में विद्युत क्षेत्र और प्लस में परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र। क्योंकि यहां पे देखो दो भाग आ रहे हैं, परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र। क्योंकि देखो बच्चों यहां दो चीजें आ रही हैं आपके पास, एक तो खाली भाग है और एक परावैद्युत। तो विद्युत क्षेत्र का जो टोटल मान होगा वायु वाले भाग के कारण और प्लस में परावैद्युत वाले भाग के कारण, क्योंकि दोनों में क्या होता है, अलग अलग होता है जो आपके पास क्या हो इसका मान होता है। तो अगर आप देखो अगर इस थ्योरी को उतारना चाहो तो आप उतार भी सकते हो। तो अपने क्या करते हैं कि सबसे पहले वायु वाले भाग में क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र, और प्लस में परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र का मान। तो आपने वायु वाले भाग में जो इसका E बराबर, मैं इसको E1 प्लस E2 लिख देता हूं, ठीक है। E1 वायु वाले भाग में विद्युत क्षेत्र है और E2 है परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र। तो अब जब इसका मान लिखता हूं मैं यहां पे, तो यहां पे देखो क्या आ जाता है आपके पास, वायु वाले भाग में आ जाएगा क्यू बटा ए एप्साइलन नॉट। ये कैसे आया, कैसे आया आपको पता ही है कि अगर मान लो आपकी संधारित्र की जो प्लेटें हैं एक क्षेत्रफल है क्यू, उन पे आवेश है, तो वायु वाले भाग में ये होता है। या आपने पहला पहला फॉर्मूला जब निकाला था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, तब ये काम आया था। और प्लस में देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्यू बटा ए एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर, ये भी आपने फॉर्मूला लिख रखा है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आपके पास आया कि जो आपका क्या दिया हुआ है, सॉरी जो इसमें माध्यम दिया हुआ है, माध्यम में इसकी धारिता ऐसे होती है, निकालते हैं, आपने निकाली भी हुई है धारिता माध्यम वाले भाग में समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपको, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आ गया, विद्युत क्षेत्र के बाद विभव, तो प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर यानी वी, तो ये क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 जो यहाँ पे है वो वायु भाग में विभवांतर है, ठीक है, और जो V2 आपके पास वो क्या है, परावैद्युत माध्यम में विभवांतर, क्योंकि दोनों में अलग अलग होगा, माध्यम में विभवांतर या V का मान हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूं तो आपको पता है कि जो वायु भाग है उसमें E1 और N2 में वायु भाग की मोटाई, क्योंकि देखो विभवांतर जब अपने निकालते हैं तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था E इंटू डी होता है। E तो विद्युत क्षेत्र और D होता है कि जो आपका विद्युत क्षेत्र के कितने यानी कि क्षेत्र में है वो। तो वायु वाले भाग की टोटल मोटाई आ जाएगी यहाँ पे डी माइनस टी, और प्लस E2 माध्यम वाले भाग में जो विद्युत क्षेत्र का मान E2 लिखा था, और N2 में माध्यम कितने मोटाई में है, T में। अब ये स्टेप मुझे बताओ समझ आया या नहीं, आ गया होगा मुझे लगता है, क्योंकि देखो वायु वाले भाग में विद्युत क्षेत्र का मान E1 है और वायु वाला भाग कितनी दूरी तक फैला हुआ है, तो दूरी देखो ये वाली और ये वाली, तो टोटल डी में से टी निकाल दे तो डी माइनस टी दूरी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो E2 क्या है, जो आपका माध्यम वाला भाग है और इसकी मोटाई या लंबाई कितनी है, T है, तो E2 इंटू टी। तो अब अपने पास जो V का मान आ जाएगा वो देखो क्या आएगा, E1 का मान है Q बटा ए एप्साइलन नॉट और D माइनस टी, और इसका जो मान है अपने पास, इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसका मान है Q बटा ए एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर और इंटू में टी आ जाएगा, या इसको डायरेक्ट टी लिख दो, यहाँ पे गुणा में ही माना जाता है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कॉमन निकालना चाहूं तो कॉमन क्या चीज आ रही है, कॉमन आ रही है ना कुछ चीज, तो कॉमन यहाँ पे आ रहा है क्यू बटा ए एप्साइलन नॉट। अब ब्रैकेट में क्या बच रहा है, डी माइनस टी तो यहाँ पे बच रहा है, और क्यू बटा ए एप्साइलन नॉट मतलब इसमें से आपने ये वाला भाग है वो क्या कर लिया, बाहर ले गए आप,
तो बचा क्या यहाँ पे टी बटा एप्सिलॉन आर, तो इसको मैं लिख रहा हूं डी माइनस टी प्लस टी बटा में एप्सिलॉन आर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास विभवांतर का मान आ गया है, अतः धारिता, जो धारिता होगी वो कितनी होगी, सी बराबर क्यू बटा वी होती है धारिता जो होती है, तो इसमें देखो अपने क्या करेंगे, सी बराबर क्यू तो वैसे का वैसे, और नीचे आपके पास आ जाएगा सॉरी ये पूरा वी वाला मान क्यू बटा ए एप्साइलन नॉट और ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी बटा में एप्साइलन आर, ये आ जाएगा। अब यहां देखो जो क्यू से क्यू कैंसिल हो रहा है, तो अपने पास ये वाला जो एप्साइलन नॉट ए है यही कहां ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा एप्साइलन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बटा एप्साइलन आर। ठीक है, वैसे तो ये सूत्र है लेकिन अपने थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर दो, तो मॉडिफाई करते हैं तो देखो एप्साइलन नॉट ए, एप्साइलन नॉट ए ये तो ऊपर आए गई, नीचे डी भी आ जाएगा। अब इन दोनों में से आपको क्या करना है, माइनस का टी कॉमन ले लो आप, क्योंकि दोनों में टी आ रहा है, तो टी के मान दो बार रखने की बजाय आप टी को क्या करो कॉमन ले लो इसमें से, तो इन दोनों में से मैं टी कॉमन ले रहा हूं इन दोनों टर्म में से, तो डी माइनस का टी कॉमन ले रहा हूं, तो जब माइनस टी कॉमन ले रहा हूं तो यहां माइनस बाहर आ गया, तो यहां बचा वन, और यहां देखो माइनस का टी बार लिया लेकिन यहां माइनस नहीं है, तो माइनस एक से इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो अंदर यहां माइनस रह जाएगा और ये बचेगा वन बटा एप्साइलन आर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, धारिता का सूत्र आ जाएगा, जब आपकी प्लेटों के मध्य क्या हो, परावैद्युत पदार्थ अंशतः भरा हुआ हो। तो आप देखो इसमें टी का मान आपको एक बार ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, धारिता का मान निकाल सकते हो, तो इसको एक बार देख लो आप, मैं आपके सामने इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं, फिर अपने नेक्स्ट इससे आगे करेंगे, तो धारिता का मान एप्साइलन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी ब्रैकेट में वन माइनस वन बटा एप्साइलन आर आ रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास धारिता का मान, तो मुझे उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। अब देखो कई बच्चों को ये वाली चीज में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये वाली यहां कैसे आई, तो ये आपको क्या है कॉमन लेना आना चाहिए। अगर मैं आपको ऐसे कह दूं भी माइनस दो प्लस चार, यहां मैं माइनस दो कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस दो कॉमन ले रहा हूं तो माइनस दो तो पूरा ही जा रहा है, यहां क्या आ रहा है वन आ जाएगा, और माइनस दो इसमें से कॉमन लिया तो यहां माइनस का दो बचा, क्योंकि चार को मैं लिख सकता हूं माइनस दो और प्लस में माइनस दो इंटू माइनस दो, चार ही आएगा प्लस का, तो यहां से माइनस दो और ये वाला माइनस दो तो बाहर चला गया, यहां तो एक बचा और यहां ये वाला माइनस दो बचा, तो इस तरीके से इसको समझ सकते हो आप, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ये आपके पास क्या आ गया, धारिता का फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, अब मान लो इसी फॉर्मूले में अगर आपको एक चीज मैं और करके दिखाऊं, क्या कि अगर आपका जो पिछला टॉपिक था, पिछला टॉपिक आपने क्या किया था, उसमें क्या आपने किया था कि जब परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हुआ हो, तो जब पूर्णतः भरा हुआ होगा, अगर मान लो आपका परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, यहां आपके पास आएगा टी बराबर डी, क्योंकि देखो पूरे जब पूरी जगह में आपने परावैद्युत पदार्थ भर दिया तो जितनी टी की वैल्यू हो जाएगी उतनी ही डी की वैल्यू होगी, तो टी बराबर डी हो जाएगा, तो सी का मान, अब धारिता का मान इस वाले फॉर्मूले में या इस वाले फॉर्मूले में आप क्या करो, टी बराबर डी पुट कर दो या डी बराबर टी पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा एप्साइलन नॉट ए अपॉन में यहां देखो डी माइनस टी, तो डी की जगह टी पुट कर दें, टी माइनस टी अपॉन टी सॉरी टी की जगह टी नहीं, आप डी पुट करो, क्योंकि अपने संधारित्र की प्लेटों के लिए डी लेते हैं दूरी, तो डी तो पड़ी है, टी की जगह डी पुट कर दो, प्लस में डी अपॉन में एप्साइलन आर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो डी से डी कैंसिल, तो ये एप्साइलन आर ऊपर जाएगा, तो एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर ए अपॉन में डी,
ये वाला फॉर्मूला आपने निकाला हुआ है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो, और इसको आप लिख देते हो एप्साइलन नॉड, जो ये वाला है, ठीक है, ये वाला इतना पार्ट है, इसको छोड़ दो, तो इसको एप्साइलन नॉड ए अपॉन डी को सी और इनटू में एप्साइलन आर, ये सी माध्यम वाला आ रहा है। तो ये आपने फॉर्मूला निकाला था वो इसी फॉर्मूले से निकल रहा है, मतलब जो आपने फॉर्मूला निकाला है वो सही है, इसको करने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका टॉपिक, कौन सा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य अंशतः परावैद्युत पदार्थ क्या हुआ हो, भरा हुआ हो, ठीक है। अब देखो इसका एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं, अपने जो बुक है आपकी बुक से अपने एक एग्जाम्पल करते हैं, सॉल्वड एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। ढूंढ रहा हूं मैं एग्जाम्पल जो आपकी बुक हिंदी मीडियम की है, उसमें देखते हैं कोई एग्जाम्पल अगर बढ़िया दिया हुआ है तो। हाँ ये रहा 4.10 नंबर एग्जाम्पल, आपको बता दिखा भी दूंगा मैं, यहाँ स्क्रीन पे आ जाएगा, देखो स्क्रीन पे क्या कि एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसमें क्या है प्लेट का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻²⁰ मीटर स्क्वायर। तो प्लेट का क्षेत्रफल दे दिया आपको, मैं अब एग्जाम्पल जो करवा रहा हूं वो 4.10 नंबर है आपकी बुक का, ठीक है। तो इसमें दे दिया प्लेट का क्षेत्रफल, तो जो जो टर्म दी हुई है ना उसको आप इसके चिन्ह के रूप में लिख लिया करो, भी ए आपको दिया हुआ है क्योंकि फॉर्मूले में चिन्ह ही आते हैं इनके, तो चिन्ह आते हैं तो चिन्ह के हिसाब से उनकी वैल्यू पुट करनी आसान हो जाती है। तो ये दिया हुआ है 2 × 10⁻²², ठीक है। प्लेटों के मध्य दूरी दी हुई है आपको डी, वो आपको दी हुई है 0.01 मीटर, ठीक है। और आपको प्लेटों के मध्य 6 mm मोटाई की एबोनाइट प्लेट परावैद्युतांक 3, तो प्लेट की जो मोटाई है वो आपको दी हुई है प्लेट की मोटाई, यानी जो आपने टी है ये वाली, ठीक है, ये आपको कितनी दी हुई है 6 mm मिलीमीटर। तो मिली का मतलब क्या होता है 6 × 10⁻³ मीटर होता है मिली का मतलब। अब नेक्स्ट आपको दिया हुआ है परावैद्युतांक यानी एप्साइलन आर की वैल्यू आपको 3 दी हुई है। तो अब आपको क्या करना है, धारिता निकालनी है, तो धारिता के लिए फॉर्मूला आप यूज कर लो एप्साइलन नॉड ए अपॉन में डी माइनस टी 1 − 1/εr, जो आपने अभी फॉर्मूला किया है। तो इसमें आप क्या करो वैल्यूज पुट करो, तो वैल्यू जब आप पुट करोगे तो देखो एप्साइलन नॉड की वैल्यू 8.85 × 10⁻½, ए की वैल्यू आपको ये वाली दी हुई है 2 × 10⁻², और अपॉन में डी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है दूरी 0.01 मीटर। तो इसको आप क्या करो 10²² मीटर लिखो, ठीक है। क्या लिखोगे 10²－2 मीटर, या इसको पढ़ा रहने दो, ऐसे ही पढ़ा रहने दो, बुक में दिया हुआ है आप देख लो 0.01 मीटर। माइनस में टी का मान आपको दिया हुआ है 6 × 10⁻³, और यहां 1 − 1/3 ये आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जब इसको सॉल्व करेंगे, इसके सामने ही मैं सॉल्व कर देता हूं इसे ही, इसको अपने रफ कर देते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखो, कैलकुलेशन देखो कैसे करोगे। तो ऊपर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 17.70, मैं यहीं से देख रहा हूं बुक से 17.70, और इनटू में 10²－12, 10²－2, 10²-14, ये आ जाएगा 0.01 पड़ा रहने दो, और माइनस में क्या आ जाएगा 6 × 10³, और एक में से 1/3 गया तो 2/3। तो आप देखो 3 से 6 कैंसिल, 2 और 2 × 2 = 4, सी बराबर 17.70 × 10²－14, और बटा में क्या आ जाएगा 0.01, और −4 × 10²－3 ये आएगा, इसको 4/1000 लिख सकता हूं मैं, या 0.004 ये लिख देंगे इसको, तो मैं लिख रहा हूं 0.004, ठीक है। तो अब इसमें क्या करो, पॉइंट के बाद जीरो आप जितनी मर्जी लगा सकते हैं,
तो पॉइंट के बाद जीरो, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट आ रही है, 3 अंक आ रहे हैं, तो यहाँ भी 3 अंक कर दो। पॉइंट के बाद आप जीरो लगा सकते हो, यहाँ बीच में नहीं घुसेड़ सकते, जो लास्ट में डिजिट दी हुई है उससे आगे जीरो लगा सकते हो, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 17.70 × 10^-14, और ये आ जाएगा 0.006, ठीक है। दोबारा से 0.006, या इसको मैं लिख देता हूं 17.70 × 10^-14, और इसको 6 × 10^-3, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल कर दो, तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 × 12, पॉइंट लग गया 5, 7, 6 × 5 = 54, और 3, 0, 6, 5, 30, 2.95 × 10^-11 फेरड आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2.95 × 10^-11 फेरड, या इसको इन्होंने बनाया हुआ है 29.5 × 10^-12 फेरड, या 29.5 पिको फेरड, क्योंकि अपने जो 10^-12 है उसको क्या लिखते हैं, पिको लिखते हैं। तो ये बच्चों इसकी कैलकुलेशन है, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आपको इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने करेंगे, थोड़ा सा इससे बड़ा है, उसमें अपने देखो क्या कर देंगे, यहाँ जो बीच में एक पट्टी रखी थी ना अपने, इसमें अलग अलग मोटाई की बहुत सारी n पट्टियां रख देंगे। भाई बहुत सारी पट्टियां आपको बीच में रख दें तो तब धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या सूत्र आएगा, वो अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपको वीडियो कैसी लगी, कितना समझ आया, मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।